ये सभी तस्वीरें आप देख रहे हैं जनपद इटावा से। मंडल स्तरीय समीक्षा बैठक करने के लिए विनय रतन जी पहुंचे अपनी टीम के साथ। लगातार वो मंडल स्तरीय समीक्षा बैठक कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से बड़ी संख्या में लोग अंदर हुए हैं। ये समीक्षा बैठक काफी ज्यादा गुप्त रहती है क्योंकि कुछ ऐसी गाइडलाइन ऐसे दिशा निर्देश दिए जाते हैं जो कि कहीं ना कहीं गुप्त रहे वही बेहतर है। फिलहाल समीक्षा बैठक में बड़ी संख्या में महिलाएं भी हैं। विनय रतन जी मंच पर पहुंच गए हैं, साथ ही साथ विनय रतन का एक बड़ा स्वागत का कार्यक्रम भी यहाँ रखा गया है। ये सीधी तस्वीरें हैं इटावा से आपको दिखा रहे हैं और ये इटावा की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि आज तरीके से बड़ा स्वागत कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है। जिला अध्यक्ष हैं और शिवम हैं एक जो कि इटावा के कार्यकर्ता हैं, काफ़ी ज़्यादा मजबूती है तो पार्टी को संगठन को। फिलहाल ये सीधी तस्वीरें के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि एक समीक्षा बैठक लगातार हो रही है। नगीना लोकसभा चुनाव के बाद लगातार हम आपको ये ग्राउंड में पूरी टीम को मजबूत करने के लिए लगी हुई है पूरी टीम और काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं। आगे की तस्वीरें आप देखिए कि क्या कुछ रणनीति यहाँ बन रही है। फिलहाल भी मिशन टीवी चैनल से जुड़े रहें, धन्यवाद। सभी जिलाध्यक्ष अपने अपने लिस्ट निकाल कर निकालकर माननीय प्रदेश संयोजक डॉक्टर प्रदीप भारद्वाज जी के समक्ष रखते हैं। मैं कुछ नाम बोल रहा हूँ, आप सब लोग साथी अनुशासन में रहे। ये माननीय कानपुर मंडल के जो जिला संयोजक है प्रशांत गौतम जी, राजन गौतम जी, राम गोपाल गौड़ जी, राम प्रकाश दिवाकर जी, जयद्रथ गौतम जी, हीरू खरे जी और हमारे पार्टी के जो जिलाध्यक्ष है मंडल।